हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल से कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉइल मैकेनिक्स। ये जो सेशंस रहेंगे ये बहुत ही डिटेल लेवल पे रहेंगे, बहुत ही डिटेल फ्रॉम वेरी जीरो बेसिक। ठीक है, वहां से हम उठाएंगे चीजों को एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ गेट, ईएससी, एसएससी जेई, स्टेट एई एंड जेई एग्जामिनेशन, एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डिस्कशन हम करेंगे ये आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। हम ये कम्प्लीटली सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये नहीं कि उसका कोई 400-500 पॉइंट 2-4 घंटे में, ना ना ना, इट विल टेक टाइम। या एक एक चैप्टर का डिस्कशन होगा 20-22 घंटों के अंदर। ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना इसी पर्टिकुलर चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आप उल्टा पुल्टा के देख लेना, मैं दिखवाऊंगा आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद, तो आप देखना। वो तो हमने एसएससी जेई के प्लेलिस्ट में करवा ही दिया है पहले से, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का सारा सारा का सारा क्वेश्चंस जो एसएससी में आए हुए थे। इस बार और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे इस सेशन के दौरान, गेट के क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, ईएससी का कन्वेंशनल इंक्लूड कर देंगे, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट और तगड़ा टाइप से बिल्डअप हो जाएगा। पहले भी हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रखा है बट फिर से भी शुरू करेंगे इस बार। ओके, ध्यान रहे, अगर आप डेडिकेटली पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक सॉइल मैकेनिक्स को, डेफिनेटली यहां पर आप पढ़िए। आपका जो रोल है क्या है, पढ़ना है और नोट्स बनाना है समझ कर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है, आपको कभी भी कोई डाउट आएगा समझने में आपको संपर्क करना है 7008420353 पे। जितना बताया जा रहा है वो अपने आप में मोर देन इनफ है। आपके सारे क्वेश्चंस जो भी आपको रिक्वायर्ड है, बेसिक अप टू इंटरव्यू लेवल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उतना हम आपको यूं ही बता देंगे फ्री में। इन सब चीजों के लिए किसी भी तरह का कहीं पर कोई बैच, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी, कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको चीजें फ्री में अवेलेबल होंगे, ढंग से आप लोगों को पढ़ा दोगे, कुछ यूं हम करने वाले हैं। 350 पन्ने की एक कॉपी खरीद के लेते आइए, सफेद सफेद या रूलिंग जो भी आपका आपको अच्छा लगता है जिसपे लिखना, वो कॉपी खरीद के लेते आइए और मेरे साथ साथ ही आप नोट्स बनाते चलिएगा। हम नोट्स आपको लिखवाएंगे बहुत प्रॉपरली अच्छे से, मेरे हमारे साथ साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब ये जो क्लासेस है ये किसको पढ़ना चाहिए, देखिए डेफिनेटली जिनको नहीं आता है सॉइल बिल्कुल भी, जिनका बेस बहुत कमजोर है सॉइल मैकेनिक्स में, जिनको चीजें याद करनी पड़ रही है सॉइल मैकेनिक्स में, जिनको मतलब उतना अच्छा ढंग से विजुअलाइजेशन नहीं है कि हो क्या रहा है यार, मैं सब चीज याद करते हुए चल रहा हूँ फॉर्मूला, आप जरूर फॉलो करें। जिनको आता है वो तो वो क्यों पढ़ेंगे, है ना, आपको आता है तो आप मत पढ़िए, आप रिविजन करते रहिए, वो जरूरी है आपके लिए। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो इन क्लासेस को पढ़ेंगे। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन और, एक्चुअली क्या है ना कि आई एम टाइपिंग ए बुक ऑल्सो, हम एक बुक भी लिख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर, है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते चलूंगा, यही एक पर्पस भी है कि इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिब्रश हो जाए, रीड्रेस हो जाए, है ना। एंड आई विल यूज ऑल दोज कॉन्सेप्ट इन दैट बुक, एंटायरली बुक सॉइल मैकेनिक्स किताब। तो वो किताब पब्लिश होगी, जैसे आपके क्लासेस ये खत्म हो जाएंगे उसके साथ वो किताब भी पब्लिश करेंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स हमसे जुड़ के, जो भी एंडिंग तक देखेंगे, आप सभी के लिए किताब रहेगी फ्री, है ना। किताब का जो पीडीएफ वर्जन है वो आप सब तक ई बुक आपको फ्री में अवेलेबल करा देंगे, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो बुक में होगा, सारा का सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअली इनफैक्ट इसी ऑर्डर में ही रहेगा, जिस ऑर्डर में मैं क्लास को पढ़ाऊंगा उसी ऑर्डर में वो बुक भी टाइप करते हुए चलेंगे। क्लियर है, तो ये अपना बेसिक प्लान है। तो चलिए चालू करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए अपने कॉपी पे, चैप्टर 1 ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सबसे लंबा चैप्टर। सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कॉलेजेस में अपना दोस्तों को बताइए, आइए पढ़िए, मजा आ जाएगा। ओके, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला टॉपिक कि सॉइल बनती कैसे है ये हम सीखेंगे। ये सीखने से पहले मुझे ये बता दो आप कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल है क्या। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कभी एक बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन, सॉइल क्या है बाबू, तो क्या बताओगे। देखो बेसिकली होता क्या है, आप एक छोटा सा पत्थर को एज्यूम करिए, कुछ भी पत्थर हो सकता है, कोई भी पत्थर हो सकता है, एक छोटे से पत्थर को बस मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोला है। इमेजिन करो कोई एक छोटा सा पत्थर है, अभी इस पत्थर के ऊपर से लगातार पानी बह रही है तो घिस जाएगा,
घिस जाएगा, घिसते रहेगा घिसते रहेगा, फिर ला धीरे धीरे इतना साइज का था, देखो धीरे धीरे इतना छोटा हो गया। तो क्या गायब हो गया पत्थर, मटेरियल उसका गायब हो गया? नहीं, वो टूटते गया लगातार, छोटे छोटे पीसेस में, कण में टूटते गया और पानी के साथ फ्लो होते गया। अब पानी के साथ जो वो कण फ्लो होके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो जमा हो जाएंगे, वो पानी उन कण को कहीं ना कहीं जमा कर देगा, समझ में आ रहा? तो वो जो कण जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं कहीं जाके, वही सॉइल मास है, दैट इज ऑनली सॉइल। तो सॉइल कैसे बना, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉइल इज नथिंग बट इट इज द डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रॉक। कोई पत्थर है, उसका डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म को ही हम सॉइल कहते हैं। क्लियर है, साफ सुथरा ढंग से एक स्टेटमेंट, कोई अब आगे इससे नहीं पूछेगा, ठीक है? हाँ, अब ये बात करेंगे हम कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, आखिर बनती कैसे है, इसका प्रक्रिया क्या है। देखिए, जैसे मैंने यहां पे आपको माउंटेन्स दिखा रखा, पहाड़ दिखा रखा, तो इसमें रॉक है। रॉक अलग अलग तरह के रॉक हो सकते हैं, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट हो गया, सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, तो ये सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक है। जब इन रॉक्स का वेदरिंग होगा, जब ये वेदरिंग कहने का मतलब है इरोजन, है ना, अपरिवर्तन, इरोजन, इरोजन मतलब वहां से उसके सरफेस से जो ये पूरा 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 रॉक मास है, इसके सरफेस से छोटे छोटे कण निकलते रहेंगे, हरदम वेदरिंग होता चलेगा, इरोजन ऑफ रॉक मास। जब ये वेदरिंग होगा, तो वेदरिंग होगा तो वो रॉक डिसइंटीग्रेट होगा, छोटे छोटे कण में कन्वर्ट होगा, वही जो छोटा छोटा पार्टिकल बन रहा है वही जाके कहीं पे डिपॉजिट करेगा, या फिर जहां पर बन रही है वहीं पे डिपॉजिट करेंगे, तो वही सॉइल बनाती है, समझे क्या? तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है सॉइल फॉर्मेशन में, वो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक मास। अब ये जो वेदरिंग है, ये दो कारणों से हो सकता है। एक होता है आपका फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग जिसमें आपका फिजिकल एजेंट इन्वॉल्व होता है। फिजिकल एजेंट कहने का मतलब है, जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, रनिंग वाटर, है ना, तो रनिंग वाटर एक फिजिकल चीज है, जैसे हिमालय से अपना गंगा माँ निकलती है ना, तो वो जब माउंटेन से निकल रही है, बह रही है, तो वो रॉक सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है, उसको लगातार इरोड करती रहती है, उसका लगातार वेदरिंग करती रहती है, तो तोड़ते तोड़ते वो सारे कण गंगा माँ के पानी में आते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं डिपोजिट करती है और प्लेन्स बनाती है, सॉइल मास बनाती है। यूपी बिहार में वो सॉइल का एक कैटेगरी आप जानते हो, अलुवियल सॉइल उसे कहते हैं हम, मैं बताऊंगा, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल, तो वहां पे फिर ये इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो जो फिजिकल वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग के कुछ एजेंट है, जैसे कि हो गया रनिंग वाटर, हो गया आइस, हो गया ग्रेविटी, हो गया विंड, हो गया। अच्छा, ग्रेविटी कैसे, देखो पहाड़ है, ज्यूम करो बहुत बड़ा पहाड़ है, जब बहुत बड़ा पहाड़ है वहां पे कोई एक छोटा पत्थर है, मान लो पहाड़ के ऊपर पे कहीं कोई एक पर्टिकुलर हाइट पे छोटा पत्थर है, वो किसी तरह से अनबैलेंस हो गई, वो क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई, तो क्या होगा, गिरेगा नीचे। जब नीचे गिरेगा, कभी इससे टकराया, कभी उससे टकराया, कभी इधर टकराया, उधर टकराया, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा वो टकरा टकरा के, या फिर टकरा नहीं भी रहा है तो गिरते वक्त मान लो दूसरे कोई दूसरा रॉक है उससे घिस रहा है, उस कारण से वो डिसइंटीग्रेट करेगा फिर। तो ये एक फिजिकल एजेंट है ना, ग्रेविटी, जिस कारण से वेदरिंग हो रही है रॉक की, है ना, तो इसके कारण वो छोटे छोटे कण में कन्वर्ट हो रहा है रॉक, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी ग्रेविटी भी एक तरह का एजेंट है फिजिकल वेदरिंग का। दूसरा जो प्रोसेस है वेदरिंग का, वो है केमिकल एक्शन, केमिकल वेदरिंग उसे हम कहते हैं। रिएक्शंस होते हैं अंदर ही अंदर रॉक के अंदर, कुछ कुछ रिएक्शन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इस तरह का कुछ कुछ रिएक्शन होता है, जिस कारण से फिर वो डिसइंटीग्रेट करता है, फिर वो टूटता है, रॉक मास कमजोर होकर टूटने लगते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो होता है केमिकल एक्शन। तो ये दिस इज द वेदरिंग ऑफ रॉक, फिजिकल वे में हो सकता है ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स, और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से केमिकल वेदरिंग हो सकता है। कहने का मतलब है इरोजन, मतलब जो रॉक है जो बड़ा साइज का है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पीसेस में। सॉइल का बात कर रहे हैं, सॉइल का दाना देखो, ग्रेन देखो कैसा होता है, फाइन फाइन होता है, फाइन या फिर इतने बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, किस किस तरह का सॉइल होता है उसको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, तो वहां पे और क्लियर होगा, है ना। लेकिन अभी ये समझिए कि बड़ा पत्थर है, उसको छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो रहा है बाय दिस टू एक्शंस, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एक्शंस।
है ना। तो ये फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। ओके, तो हमने लिख दिया फिजिकल वेदरिंग, रनिंग वाटर के कारण, आइस के कारण, ग्रेविटी के कारण, विंड के कारण, ईटीसी यहाँ पे लगा दो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे। केमिकल वेदरिंग हो सकता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, कार्बोनेशन रिएक्शन हो गया, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, जैसे रिडक्शन रिएक्शन हो गए, और भी डिफरेंट रिएक्शन, ईटीसी यहाँ पे लगा दो। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस थी, इसके कारण जो रॉक था वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब वो जो डिसइंटीग्रेटेड मास है वो क्या होगा वहां, उसमें दो चीज पॉसिबिलिटी है। जो ये चीज डिसइंटीग्रेट हुई, जो रॉक थी उसका डिसइंटीग्रेशन जब हुआ, तो जो डिसइंटीग्रेटेड मास है वो मास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में है, इसके साथ क्या होगा, दो चीज हो सकती है। क्या हो सकती है, देखो पहला, या फिर तो ये होगा कि ये जो डिसइंटीग्रेटेड मास है ये किसी कारण से जिस जगह पे बना था वहां से ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरे जगह तक चले जाएगा। कारण क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी रनिंग वाटर गंगा माँ का एग्जाम्पल ले लो, या फिर और भी जितने भी नदी हैं पूरे भारत में सभी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। वो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करवाने के बाद अपने साथ उन पार्टिकल्स को इन सस्पेंशन फॉर्म कैरी करते हैं और कहीं दूसरे जगह पे प्लेन्स में आके जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। इस तरह से और भी एजेंट्स हैं जिसके कारण ये डिपोजिशन हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है, हवा उड़ा के लेके गया एक जगह से दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर दी, तो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन बाय मींस ऑफ डिफरेंट एजेंट्स, समझ में आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तब जब ये ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जो सॉइल फॉर्म होती है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, समझ में आ रहा है। बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो सॉइल फॉर्म होगी उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। कहने का मतलब है जिस जगह पे वेदरिंग हुई रॉक मास की, उस जगह पे अब वो पार्टिकल है नहीं, वहां से कहीं दूसरे जगह पे चली गई ट्रांसपोर्ट होके, तो वो जो सॉइल बन रही है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस जगह पे वेदरिंग हुआ है ना, उसी जगह पे डिपॉजिट हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताया, ये जो वेदरिंग हुआ है, ये वेदरिंग का जो पार्टिकल्स है ये हो सकता है यही पर कहीं पे डिपॉजिट हो जाए लोकल एरिया में जहां पे जहां से वेदरिंग हुआ है, या फिर बाय एनी मोड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे पहाड़ों से अपना नदी निकलता है, तो बाय मींस ऑफ रिवर वगैरह, विंड वगैरह एक्सेट्रा, ये ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, है ना। तो दो चीजें अब यहाँ पे पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स एंड या फिर डिपोजिशन एट सेम प्लेस वेर द वेदरिंग अकर्ड। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल या फिर डिपोजिशन एट सेम प्लेस या ओरिजिन आप कह लो, जहां पे वेदरिंग हुई है वहीं पे डिपोजिट कर रही है। तो यहां पे फिर दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ सॉइल आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो सॉइल बनती है उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। इसमें फिर अलग अलग एजेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, और उस बेसिस पे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल बनते हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको। ठीक है, इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। अगर मान लो ओरिजिन पे ही डिपोजिशन हो गई डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल की, तो उसे हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल। तो यहां पे देखिए जो दो चीज है, वो एक टर्म जो आ रही है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, वो टर्म आ रही है डिपोजिशन, है ना। तो जियोलॉजिकल साइकिल का हम बात जैसे करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो तीसरा एक्शन होगा वो होगा डिपोजिशन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल, डिपोजिशन मतलब जमा हो रही है पार्टिकल्स, धीरे 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 जमा हो रही है। तो जब डिपोजिट होंगे, डिपोजिट होते चलेंगे, मान लो एक लेयर आई, फिर दूसरा लेयर चढ़ गया, फिर तीसरा लेयर चढ़ गया, चौथा चढ़ गया, पांचवा चढ़ गया, इस तरह से चढ़ते 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 ये फिर से एक पहाड़ बनना चालू हो जाएगा। देखो एक पहाड़ बन रहा है, फिर से चढ़ते चढ़ते बहुत ज्यादा चढ़ गया, बहुत ज्यादा डिपोजिट कर गया, तो ये फिर से एक माउंटेन जैसा कुछ बनना चालू हो जाएगा। अब उसका इरोजन फिर से चालू हो जाएगा, फिर वो कहीं पे और जाके ट्रांसपोर्ट होके डिपोजिट होगी या फिर उसी जगह पे डिपोजिट होगी। तो ये आपका साइकिल है। तो वो जो फोर्थ स्टेप है डिपोजिशन के बाद, उसे बोलते हैं अपहीवल, मतलब अब डिपोजिशन बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वो ऊंचा हो रहा है, अपहीवल। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर
ये एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट इज द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। ओके, तो ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए यहां पे, फिर अगला वाला पेज पे मैं साइकिल बना के दिखाता हूं। तो हमने आपसे बोला कि सबसे पहले हुआ वेदरिंग, वेदरिंग होने के बाद क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट एजेंट हैं, उस बेसिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, टाइप्स ऑफ सॉइल आती हैं, उसके बारे में अभी देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो सेडिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल बने, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स, वो डिपोजिट करेंगे, डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिट किए, डिपोजिशन होना शुरू हुआ, तो एक लेयर बना, उसके बाद फिर दूसरा लेयर बनेगा, मतलब ऐसा, ये मान लो एक लेयर जमा हो गई, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर चढ़ गया, फिर तीसरा लेयर चढ़ गया, फिर चौथा चढ़ गया, फिर पांचवा चढ़ गया, इस तरह से डिपोजिशन हो रहा है। तो क्या देखिए, ये एक फिर से एक चट्टान जैसा बन रहा है, अपहीवल हो रहा है, चट्टान जैसा बन रहा है, तो ये अपहीवल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपहीवल, है ना, अपहीव बन रही, हीव मतलब एक जमा होते चलते हीव बन रहा है, एक हाइट का एक कुछ, है ना, तो अपहीवल हो रहा है, हीविंग हो रहा है, अपहीवल, तो ये अपहीवल हुआ। तो अपहीवल में फिर से क्या बन गया, एक चट्टान जैसा बन गया, फिर से एक बहुत बड़ा मास जमा हो गया, अब फिर से इसका वेदरिंग होगा, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये साइकिल है, इस तरह से होती है सॉइल का फॉर्मेशन। अब ये जो प्रोसेस है जो आपने अभी पढ़ा है ना, ये जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसे हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। और किस तरह से फॉर्म होती है, उसका हर एक स्टेप को आपने अभी देखा, वेदरिंग जो कि फिजिकल या फिर केमिकल हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर सेम प्लेस पे डिपोजिट हो जाएगा, दो में से कोई एक चीज, फिर डिपोजिशन, अपहीवल, अपहीवल, अपहीव होने के बाद फिर उसका वेदरिंग, ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। एक बात का डिस्कशन और यहीं पे कर लिया जाए, देखो यार बताओ, ये जो मैंने वेदरिंग ऑफ रॉक बताया, वेदरिंग ऑफ रॉक में मैंने आपको दो सिस्टम बताया, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, तो दोनों से सेडिमेंट फॉर्म हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहा है रॉक, और वहां से सॉइल बन रहा है, ठीक है, दिमाग लगाओ मेरे को, ये बताओ अगर फिजिकल वेदरिंग हुआ है और सॉइल बना है, फिजिकल वेदरिंग हुआ है और सॉइल बना है, तो वो सॉइल का प्रॉपर्टी और ये जो पेरेंट रॉक है जिससे जिसका वेदरिंग हुआ है उसका प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल एक्शन था, वो बस नेचर उसका वही है, बस वो टूटा है छोटे छोटे कणों में, समझ में आ रहा, तो जो पेरेंट रॉक है जहां से वेदरिंग हुई है वही सेम प्रॉपर्टी वो सॉइल भी रिजेंबल करेगा, उस सॉइल के पास भी वही सेम प्रॉपर्टी होगी अगर फिजिकल वेदरिंग के माध्यम से सॉइल बना है, लेकिन केमिकल एक्शन हुआ, कोई एक फॉर्म में था दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो प्रॉपर्टीज है नॉट रिमेन सेम एज द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कहने का मतलब है वो रॉक जिसका वेदरिंग हो के ये सॉइल बना है ना, समझ आ रहा, तो केमिकल वेदरिंग अगर होगा तो प्रॉपर्टीज आपका चेंज हो जाएगा सॉइल का, क्लियर है, और अगर फिजिकल वेदरिंग होगी तो सॉइल का प्रॉपर्टी और पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, केमिकल वेदरिंग जब होगा पेरेंट रॉक का प्रॉपर्टी और सॉइल का प्रॉपर्टी जो फॉर्म हुई है विल बी डिफरेंट, है ना, तो ये एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। ये वाला जो पेज था, ये साइकिल आपने बनाया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ कॉपी पे बना लिया होगा, यही आपका नोट्स था, यही सब लिखते चलिए, ठीक है, तो नोट पॉइंट में ये सेंटेंस को डालेंगे, नोट, दो सेंटेंस है, इफ वेदरिंग इज फिजिकल और मैकेनिकल, इसी फिजिकल वेदरिंग को हम कभी कभी मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, देन दिस सॉइल फॉर्म्ड विल हैव सेम प्रॉपर्टी एज पेरेंट रॉक, इफ वेदरिंग इज बाय केमिकल एक्शन
देन सॉइल फॉर्म्ड विल बी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी देन पेरेंट रॉक। एक केस में सेम प्रॉपर्टी कब, जब फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग हुई है, एक केस में डिफरेंट प्रॉपर्टी जब केमिकल एक्शन के माध्यम से वेदरिंग हुई है। ध्यान में रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, देखिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट। व्हाट इज दैट पॉइंट अनित जी, इनको देखिए क्या है। एक इंसान खड़े हैं इधर, फोटो है, इनका नाम है कार्ल वॉन तरजागी। कार्ल वॉन तरजागी, देखिए सॉइल मैकेनिक्स में ना आप बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम देखेंगे, कासा ग्रांडे का नाम देखेंगे, बोजिंगनेस का नाम देखेंगे, वेस्टागार्ड का नाम देखेंगे, है ना, बहुत सारे स्टोक्स साहब थे उनका नाम आप देखेंगे, इन ये सब नाम हम देखते रहते हैं, सॉइल में भी उनका योगदान है, ठीक है। हेजन साहब थे, सबका बहुत बहुत लोगों का बहुत तरह का योगदान है। डार्सी, डार्सी परमिएबिलिटी लॉ सुन रखा होगा कभी ना कभी, तो उनका योगदान है ना सॉइल मैकेनिक्स में। बट जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट वाला योगदान था, जिन्होंने पूरा सॉइल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया, वो थे कार्ल वॉन तरजागी। इनको कहा जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्या कहा जाएगा, रनकाइन साहब थे, देखो किसी का नाम नहीं आ रहा है, रनकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट किन्हीं का नाम नहीं आ रहा है, इनका नाम आ रहा है। इन्होंने पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स का व्यू चेंज कर दिया था, कंसोलिडेशन थ्योरी इन्होंने दिया था, पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। और भी फाउंडेशन डिजाइन में इनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे उनमें से कहीं ना कहीं एक्सट्रीम सिग्निफिकेंट जो योगदान दिया गया था वो तरजागी साहब के द्वारा दिया गया था, इसलिए इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है। इनका पहला बुक का नाम था इराड बाउ, ये बार नहीं है यू है, ये आर नहीं है यू है, इराड बाउ मैकेनिक, इर्द बाउ मैकेनिक, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, इर्द बाउ मैकेनिक, इर्द बाउ मैकेनिक, ई आर डी बी ए यू, इर्द बाउ मैकेनिक, मैकेनिक, इर्द बाउ मैकेनिक। उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये सिविल इंजीनियर नहीं थे, ही वॉज ए मैकेनिकल इंजीनियर, समझिए, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया निवासी, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए ये पॉइंट को भी मैंने डाला। इंटरेस्टिंगली पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में, ये ऑस्ट्रियन इंजीनियर थे और मैकेनिकल प्रोफेशन से थे, ही वॉज, इनका डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था इनके पास, समझिए बात को। वो चल के बनते हैं अपना जो हम पढ़ते हैं सिविल बैकग्राउंड में सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, इनके फादर। तो आप इंटरेस्ट देखिए बंदे का, है ना, कहां प्रोडक्शन एंड मशीन डिजाइन, कहां आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग, हाँ मतलब कितना डेप्थ है, कोर है उधर। उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में जगा, इसलिए इनको ये मतलब टैग से नवाजा गया है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और भी ढेरों कहानियां इनके पीछे, है ना, इनके बचपन की स्टोरी वगैरह सब कुछ, जो कि अपने को नहीं जाननी है उतना, बस इतना जाननी है, तो आप फोटो तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसको एक नोट में डाल के लिख लो, पूरा का पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। प्लस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाके आप विकिपीडिया पे, विकिपीडिया यहाँ पे जाके इनके बारे में पढ़िए, तब आपको अंदाजा होगा कि इनका इंटरेस्ट कैसे जगा था सॉइल मैकेनिक्स के अंदर और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, है ना। तो वो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विकिपीडिया पे रहता है, आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, ओके, आप और कनेक्ट कर पाओगे इंजीनियरिंग प्रोफेशन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सॉइल, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सॉइल। इसको जो हम लिखेंगे कॉपी में एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे, अब वो टेबल क्या होगा, इस तरह का आपका टेबल बनेगा। देखिए पहला रहेगा कॉलम में नेम ऑफ सॉइल, सॉइल का नेम क्या है, ठीक है। नाउ यहां पे रहेगा एजेंट, ओके, एजेंट, एजेंट का थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एजेंट
और यहाँ पे उसके बारे में कुछ अगर नोट लिखना है अपने को तो वो हम नोट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कॉलम बनेगी, आप ऐसा ही कॉलम बनाइए। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताता हूं, जिसे हम कहते हैं अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या होता है सुनो, सीधा हम चले जाएंगे गंगा माँ के पास। गंगा माँ कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है। तो वहां पे इरोजन की, ठीक है, वेदरिंग हुआ सॉइल पार्टिकल्स का, बेसिकली फिजिकल वेदरिंग हो रहा है। तो वेदरिंग होने के बाद जो सेडिमेंट्स हैं वो पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में आ गए, है ना। वो छोटे छोटे फाइन सेडिमेंट हो सकते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो किस में आ गए? सस्पेंडेड फॉर्म में आ गए। वो सस्पेंडेड फॉर्म में आए, धीरे 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 गंगा माँ के साथ बहते बहते आए। जब गंगा माँ एक फ्लैट रीजन में पहुंचती है, प्लेन्स में पहुंचती है ना, प्लेट्यू रीजन में पहुंचती है, एकदम प्लेन प्लेन रीजन है पूरा, जैसे यूपी और बिहार का रीजन है, प्लेन रीजन है, तो वहां पे वो डिपोजिशन कर देती है धीरे धीरे। तो वो जो सॉइल बनती है, वो जो फॉर्मेशन होती है सॉइल की, उस सॉइल को हम कहते हैं अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल, तो यहाँ पे एजेंट कौन है? रनिंग वाटर, है ना। तो आपसे ये पूछेंगे कि अलूवियल सॉइल जो फॉर्म होती है उसके फॉर्मेशन के पीछे का जो एजेंट है वो क्या है? रनिंग वाटर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको किधर मिलेंगे इस तरह का सॉइल? जनरली रनिंग वाटर है, नदी किनारे, तो रिवर का जो बेसिन होता है ना, तो वहां पर आपको ये सॉइल मिल जाएगा देखने को, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन। या ऐसे सीधा आप लिख दीजिए ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि ये कहाँ पे मिल रहा है, इसके बारे में हमने लिखा है ना। तो रिवर बेसिन में ये सॉइल आपको देखने को मिलेगा। सैंड, ग्रेवल, ये सारे जो होता है ये बेसिकली अलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एग्जाम इसमें एक लिख भी दो, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जैसे कि सैंड हो गए, ग्रेवल हो गए, ओके। ये जो है ये अलुवियल सॉइल के कैटेगरी में आता है। मैक्सिमम जो सॉइल होती है वो अलुवियल नेचर की होती है, सैंड एंड ग्रेवल, मतलब डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर। समझ में आ रहा? एसएससी जेई का क्वेश्चन है, वो भूलना नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल पे आते हैं, दूसरा, सुनना मेरा बात, ये तो रनिंग वाटर का हो गया। लेक में जाओ, लेक क्या होता है, पॉन्ड क्या होता है? वो एक स्टिल वाटर होती है, शांत पानी, शांत पानी। लेक में सेडिमेंट आ गए, क्ले के सेडिमेंट, लेक का जो पानी है, क्ले सॉरी क्ले बोल रहा हूं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं लेक के पानी में आ गया, सस्पेंडेड फॉर्म में आ गया। सिटी ऑफ लेक क्या है? भोपाल, भोपाल इज आवर सिटी ऑफ लेक, याद रखना है ना। तो मान लो कि भोपाल में ये चीज, भोपाल का घटना है, तो भोपाल में जो लेक्स हैं बहुत सारे, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में हैं सॉइल के, आ गए। अब क्या होगा? धीरे 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 वो पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी एक सेटलिंग वेलोसिटी के साथ जाएगी लेक के बॉटम पे, डिपोजिट करेगी। तो ये समय दर समय चलता रहेगा, सालों साल ये डिपोजिशन होते रहेगी। तो फिर नीचे सॉइल बन रहा है कि नहीं लेक के नीचे? डिपोजिशन बाई स्टिल वाटर, ये वाटर आपका मूविंग नहीं है, है ना, स्थिर पानी है। तो इसमें जो पार्टिकल्स के डिपोजिशन होते हैं, जिस कारण से एक सॉइल फॉर्मेशन होती है, उसको हम लैकुस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैकुस्ट्रीन सॉइल, लेक से बना लैकुस्ट्रीन सॉइल। क्लियर है? लिखता हूं, लैकुस्ट्रीन सॉइल, फ्रेश एंड स्टिल वाटर इसका एजेंट है ना। और किधर आपको ये देखने को मिलेगा? लेक, ओके, लेक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, वहां पे आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख लो बगल में, भोपाल लिखना है तो दिमाग में रहेगा। भोपाल क्या है? सिटी ऑफ लेक, जीके का क्वेश्चन हो गया आपका, सिटी ऑफ लेक। अब तीसरा कैटेगरी पे आता हूं, थर्ड कैटेगरी अपना क्या है? समंदर किनारे, है ना, सी शोर, समंदर किनारे जो सॉइल बनती है उसे हम मेराइन सॉइल कहते हैं, ओके। जो समुद्र का जो पानी है वो जो डिपोजिशन करवाता है उसको हम कहते हैं मेराइन सॉइल। ऑब्वियसली मेराइन सॉइल है तो इसमें सैलिनिटी हाई होगी, नमक है ना वो ज्यादा होगा, सेलाइन होगा, खेती करने योग्य ये सॉइल नहीं होती है, ओके, मेराइन सॉइल, सी वाटर।
समंदर किनारे ये मिलेगी। इसमें नोट पॉइंट में क्या लिखोगे? लिख लो हाई सेलिनिटी, ऑब्वियस सी बात है, हाई सेलिनिटी, नो एग्रीकल्चर यूज, नो एग्रीकल्चरल यूज, नमक होता है इसमें, ठीक है, नो एग्रीकल्चरल अप्लीकेशंस, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ काठियावाड़, ये सब सारा जो गुजरात इलाके में है, गुजरात वाले इलाके में, जिधर आपका इंदस नदी उधर से ही आती है, और आपका उधर क्या है, आपका अरेबियन सी है ना, तो इंदस नदी आती है पाकिस्तान से फ्लो करते हुए वही सब इलाके में, और अरेबियन सी से, अरेबियन सी में जाके फॉल कर जाती है, और भी बहुत सारी नदियां आती हैं, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ काठियावाड़ वहां पे, तो वो पूरा का पूरा इलाका खाली है, मतलब वहां खेती नहीं करते हैं। क्यों? सैलिनिटी इतना ज्यादा हाई है ना वहां के सॉइल में, तो वो सारा सॉइल जो मेराइन सॉइल है ना, समंदर के जो ज्वार भाटा वगैरह उठते हैं वो धीरे 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 पानी जब जाती है जमीन पे तो सेडिमेंट को लेके जाते हैं, कुछ सेडिमेंट वहीं रह गए, फिर पानी आ गया वापस, फिर लेके गया, फिर आ गया, फिर लेके, ऐसा, तो सी वाटर डिपॉजिट कर रहा है सॉइल को, तो सी वाटर बनाती है सॉइल को, तो उसे हम मेराइन सॉइल कहते हैं, समझ में आ रहा? उसमें खेती नहीं किया जा सकता, वहां खेती नहीं होती है, वहां बस जीव जंतु पनप जाए वही बड़ी बात है। सैलिनिटी इतना हाई लेवल का, सोचिए खेती कहाँ से होगा? हम सैलिनिटी, अगर सॉइल जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें सैलिनिटी आ जाती है तो उसे कैसे हमें ट्रीट करना है, हम वो पढ़ते हैं, हम सोडियम हजार का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में, जो कि आपने पढ़ रखा है, अभी रिसेंटली इरिगेशन इंजीनियरिंग खत्म हुआ, वहां पर मैंने बताया था, है ना, कैल्शियम हजार, सोडियम हजार, ये सारा चीज हमने बताया था। आगे बात, अब जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है बताता हूँ। मान लो लेह लद्दाख गए कभी घूमने के लिए, तो उस सेक्टर में चले गए, या फिर जम्मू कश्मीर वाले इलाके में चले गए, तिब्बत के पठारों पे घूम रहे हैं आप, है ना, तो वहां पे देखिए बर्फ है, आइस है, तो जब सीजनल वेरिएशन वगैरह होता है ना, तो आइस भी ना धीरे धीरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, लोकेशन तक जाती है ना, फ्लोट करती है, फ्लोट करते हुए या फिर किसी भी माध्यम से, वो बेसिकली फ्लोट करते हुए है ना वो जाती है, तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेके चली जाती है, ठीक है, वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेके गए और कहीं पे जाके डिपॉजिट कर रहे हैं और सॉइल बना रहे हैं, वो जो सॉइल बनता है उस सॉइल को हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल। क्या बोलेंगे? ग्लेशियल, ग्लेशियल सॉइल। इसमें जो एजेंट है आपका, वो एजेंट क्या है? आइस। आइस के कारण ये सॉइल डिपॉजिट होती है, आइस के कारण ये सॉइल बनता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। इस सॉइल का एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम टालूस भी बोलते हैं, सॉरी टालूस नहीं, इसको टिल बोला जाता है, टालूस दूसरा सॉइल को बोला जाता है, जो कि अभी आप अभी बताएंगे, इसका एक अलग नाम है, इसको हम टिल भी कहते हैं। ये क्या है? अदर नेम, अदर नेम। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? वैसे इलाके में मिलेंगे जहां पे ग्लेशियर्स हैं, वहां पर आपको ये ग्लेशियल सॉइल देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा? आप गूगल पे फोटो देख सकते हैं इसका, ओके, उसको आप जम्मू कश्मीर वाले इलाके ये सब में आपको ये सॉइल मिलेंगे। आगे बात करते हैं, मान लो कोई पहाड़ी रीजन में हो, बहुत खतरनाक पहाड़ी रीजन है, जैसे कि हिमालय ही अपना बहुत खतरनाक और प्रमुख पहाड़ी रीजन है, देहरादून वाले इलाके में है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर हैं, माउंट एवरेस्ट ले लो यार, किधर हो, इधर कोई बड़ा, बहुत बड़ा चट्टान है, कहीं ऊपर था, कोई बहुत बड़ा चट्टान है वो ऊपर था, वो गिरते 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 ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, गिरते 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 आ रही है, तो साथ साथ इरोजन भी हो रहा है उसका, वो सेडिमेंट्स भी लेके आ रहा है अपने साथ, है ना, बहते बहते फिर वो आके कहीं डिपॉजिट हो जाएगी, या फिर ग्रेविटी के कारण कुछ हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स में कुछ हुआ है ना, पत्थर एक दूसरे से घिसे, फिर वहां से डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद फिर वो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल कहीं पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये सारा चीज कौन करवा रहा है? ग्रेविटी करवा रहा है। समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? ग्रेविटी करवा रहा है। तो ग्रेविटी के कारण एक डिपोजिशन हुई, मतलब डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स का एक डिपोजिशन हुआ, जिस कारण से एक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह का जो सॉइल बनता है इसे हम कोलुवियल सॉइल कहते हैं, कोलुवियल सॉइल। यहां पे एजेंट कौन? ग्रेविटी। इसका एक स्पेशल नेम भी है, जैसे ग्लेशियल सॉइल का स्पेशल नेम था टिल, इसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम बोलते हैं टालूस, टालूस।
याद रखिएगा ये सब चीजें एग्जाम में पूछता है आपसे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके डिफरेंट एजेई एग्जामिनेशंस में, है ना, यूं ही नहीं पढ़ा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉलुवियल सॉइल है, ये बेसिकली आपको जो टालूस है ये किधर देखने को मिलेगा, जो माउंटेन वैलीज है ना आपको वहां पे ये सॉइल मिलेंगे, माउंटेन वैली, ठीक है, पहाड़ी इलाके में मिलेगा, है ना, माउंटेन वैलीज में आप ये देखोगे। तिल जो है जहां पे ग्लेशियर्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा, आप लिख सकते हैं वहां पे तिल जो है क्या है, जहां पे ग्लेशियर्स हैं उस इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा। छठा टाइप ऑफ सॉइल, सिक्स्थ, देखो ये समझाता हूं, राजस्थान वाले इलाके में जाओगे, ठीक है, अपना पूरा का पूरा डेजर्ट है वो उधर राजस्थान वाले इलाके में, तो वहां पे छोटे छोटे ऐसे टीले दिखते हैं आपको, सैंड का ड्यून होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून। ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना, इन सब चीजों का सैंड ड्यून कैसे फॉर्म होता है ये वो सब चीज बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हम कवर करवाएंगे ज्योग्राफी वगैरह भी। अभी तो अरविंद जी ने जो कवर करवाया वो तो आपका एक नॉन टेक के लिए है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट पीएससी लेवल का है। ओके, सो आई विल कम ओवर इट, ज्योग्राफी, साइंस, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इन सब चीजों के लिए ना बच्चों को पैसा देना होता है। मैं थोड़ा सोशलिस्ट टाइप का है, समाजवाद, खैर ज्यादा नहीं थोड़ा सा हूं, कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट को भी रखते हैं, समाजवाद कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हैं, बीच का आप कह सकते हो। तो ये सैंड ड्यून होता है, तो देखो होगा कि अब सैंड ड्यून मतलब सैंड पार्टिकल्स है, गर्मियों के टाइम पे देखो कितना ज्यादा तेज हवा बहता है ना, तो ये तेज हवा जब बहेगी तो ये सैंड ड्यून से जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो इरोड होंगे और कहीं दूसरे जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर वहां पे वो डिपॉजिट हुआ मतलब सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, तो वो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको हम एओलियन सॉइल कहते हैं। एओलियन सॉइल ये बेसिकली किस कारण से फॉर्म हो रही है, विंड इज एजेंट, यहाँ पे विंड वो डिपोजिशन करवाती है, ये किधर मिलेंगे आपको, डेजर्ट वाले इलाके में मिलेंगे। एओलियन सॉइल जो होती है ना वो बेसिकली सैंडी नेचर की होती है, वो सैंड ही होती है, सैंड ड्यून्स होती है बेसिकली, है ना, एक मतलब जो ये सैंड ड्यून है इधर से उठाया मिट्टी को दूसरी जगह डिपोजिट करते चला उधर एक सैंड ड्यून बन गया, इधर से मिट्टी उठाया उधर डिपोजिट किया दूसरी जगह सैंड ड्यून बन गया, ऐसा है ना, तो दीज आर बेसिकली सैंड ड्यून्स ओनली, तो इसे हम एओलियन सॉइल कहते हैं। ठीक है, लिखिए। अब एक तरह का सॉइल और हम डिस्कस करते हैं, इसमें डेजर्ट में ही ये सॉइल भी मिलती है, सुनिएगा, यहाँ पे एक फोटो मैंने लगा के रखा है, आप इस फोटो को देखिए, ये जो सॉइल होती है ना ये भी विंड के कारण ही डिपॉजिट की जाती है, लेकिन इस तरह से, लेकिन फ्लैट होती है, सैंड ड्यून कैसे होती है इस तरह से सैंड ड्यून हुआ करती थी, लेकिन ये फ्लैट होती है, इस तरह से फ्लैट होती है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे समतल समतल है, लगभग अप्रोक्सीमेटली फ्लैट टेरेन है ये, लेकिन यहाँ पे सैंड नहीं होती, दिस इज बेसिकली विंड ब्लोन सिल्ट, सिल्ट जो है वो आके डिपोजिट होता है इधर, क्या होती है सिल्ट का डिपोजिशन होता है, समझ में आ रहा, सिल्ट एक अलग टाइप ऑफ सॉइल, इसके ऊपर आएंगे हम, है ना, सिल्ट के ऊपर आएंगे आगे चल के, कुछ टर्म हो सकते हैं अभी चूंकि स्टार्ट हो रहा है चीजें आपको उतना क्लियर कट अंडरस्टूड नहीं होंगे, लेकिन यकीन मानिए धीरे 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 सारे टर्म सब कुछ आपको जब क्लास खत्म होगा अंत तक सॉइल मैकेनिक्स सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिल्ट में ना एक प्रॉपर्टी होती है कोहेजन, जिसके कारण उसमें शियर स्ट्रेंथ होता है, समझ में आ रहा है, बेसिकली सिल्ट में बेसिकली जो शियर स्ट्रेंथ का अलग एक चैप्टर है वो देखेंगे हम। सिल्ट के केस में शियर स्ट्रेंथ बेसिकली दो चीजों से आती है, फ्रिक्शन के कारण, कोहेजन के कारण, और एक होता है क्ले, उसमें जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो बेसिकली कोहेजन के लिए आता है, इसमें कोहेजन के लिए भी है और फ्रिक्शन के कारण भी शियर स्ट्रेंथ आती है ना, इन सब चीजों को और हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें कोहेजन होती है। बट ये देखो जब सिल्ट का डिपोजिशन करता है कौन कर रहा है, सिल्ट का डिपोजिशन विंड कर रहा है, हवा, सिल्ट का डिपोजिशन कौन कर रहा है, हवा, जब सिल्ट का डिपोजिशन करता है ये फ्लैट रीजन में वहां पे, तो ये डिपोजिशन ऐसा नहीं कि पूरा होमोजेनियस वे में हो रहा है, नॉन होमोजेनियस वे में होता है, मतलब कहीं कहीं डिपोजिशन हुआ इधर डिपोजिशन हुआ लेकिन बीच में एक गैप रह गया, मतलब एक होल जैसा रह गया, है ना, फिर यहाँ पे मिट्टी है ऐसा, फिर इधर एक होल है, फिर इधर मिट्टी है, इधर होल है, ऐसा इस तरह से डिपोजिशन होती है इसकी, समझ में आ रहा,
तो ये छोटे छोटे होल्स उसमें रहते हैं, होल्स, ये छोटे छोटे होल्स रहते हैं। अब वो होल्स हैं मतलब वो खाली है, यहाँ पे अभी एयर है मान के चलो, अभी क्या है एयर है मान के चलो, समझ में आ रहा है। ये होल्स कैसा आप इमेजिन करिए, जैसे चूहे अपना बिल नहीं बना लेते हैं जमीन के अंदर, कहीं क्रॉस सेक्शन देखो कहाँ जहां पर चूहा बिल बनाया हुआ है वहां पे देखो कैसे कैसे छोटे 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 छेद होते हैं, उसी तरह से ये छेद होते हैं छोटे छोटे, है ना। अब इनके कारण एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है इस मिट्टी में, जो मिट्टी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये आती है। अभी जैसे मान लो एयर है, होल है, एयर है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में आप अगर इस पे इसके ऊपर चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल लोगे, सब कुछ ढंग से चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ना जमीन धंसेगी, कुछ नहीं होगा। बट मान लो इसका वाटर कंटेंट बढ़ गया, वाटर कंटेंट जैसे ही बढ़ जाएगा तब उसमें क्या होगा, ये होल्स वगैरह सब में पानी चले जाएगा, पानी चले जाएगा, उसके बाद जैसे इस पे लोड लगेगी या फिर मतलब आप जैसे इसके ऊपर चलोगे उस वक्त वो धसने लगेगा, कोलैप्स हो जाएगी, है ना। सो ये हो जाती है क्या, कोलैप्स, इट विल कोलैप्स, और ये होल्स के कारण बेसिकली होती है कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स होगी कब, व्हेन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, ऑफ दिस सॉइल, जो सॉइल का हम बात कर रहे हैं, जिस सॉइल का हम बात कर रहे हैं उसी सॉइल का, व्हेन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, जब बढ़ेगा तो ये सॉइल हो जाएगी कोलैप्स, इसलिए कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, नरम हो जाएगी इसलिए आप जैसे उस पर चलोगे धसने लगेगा, दलदल जैसा कुछ, है ना। दलदल का कॉन्सेप्ट वैसे भी अलग है, हम आगे चल के और बात करेंगे। तो उस तरह से ही धसने लगेगा, आपको फीलिंग दिलवाने के लिए मैंने बात किया था कि उस तरह से धसने लगेगा, है ना, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ी है वो कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि जो डिपोजिशन हुई है उसमें इस तरह से होल्स थे पहले, समझ में आ रहा है। इस तरह का जो सॉइल होता है इसे हम लॉसेस कहते हैं, है ना, लॉसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉसेस। तो ये बेसिकली क्या है, विंड ब्लोन सिल्ट, ये भी आपको डेजर्ट वाले इलाके में मिलेंगे, जैसे अपना जो राजस्थान में जैसलमेर वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका, वो सब इलाके में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। जो बंदा उस इलाके से है वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा होगा, वो देखे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना। जो नहीं है आप भी समझ गए कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सेवेंथ नंबर सॉइल एंटर करते हैं, तो ये क्या था, सेवेंथ नंबर लॉसेस सॉइल, जो जिसका भी क्या है एजेंट क्या है, विंड, और ये भी डेजर्ट में मिलेगा। इसमें कुछ और नोट पॉइंट अगर हमको लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली विंड ब्लोन सिल्ट, विंड ब्लोन सिल्ट। इससे पहले वाला भी विंड के कारण था लेकिन उसमें बेसिकली जो थी पार्टिकल्स वो थी सैंड की पार्टिकल्स, सैंड में कोहेजन नहीं होता, सैंड में कोहेजन नहीं होता, सैंड में बेसिकली क्या होता है, फ्रिक्शन, मतलब सीयर स्ट्रेंथ, जो सैंड का स्ट्रेंथ होता है वो बेसिकली उसके फ्रिक्शन के कारण होता है, इंटरलॉकिंग के कारण होता है, सैंड ग्रेन्स एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं जिस कारण से उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आगे चल के आएगा, है ना, बहुत डिटेल में बोल रहा हूँ ना, बहुत बेसिक एकदम जीरो लेवल से, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आप नहीं समझ पाओगे, सब चीज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मैंने और बताया कि एज वाटर कंटेंट, अब ये वाटर कंटेंट क्या है ये भी आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जब बताऊंगा तब, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि जैसे उसमें पानी आ गया, सॉइल में पानी भरने लगा, है ना, जो सॉइल के खाली स्पेसेस थे, होल्स थे बड़े बड़े, उसमें पानी आने लगे, तो एज वाटर कंटेंट डब्ल्यू सी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, है ना, इट बिकम्स सॉफ्ट एंड कोलैप्सिबल, ये जो कोलैप्सिबल टर्म मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में भी फिर आगे और बात करेंगे। आप इसको ऐसे एक शब्द और जोड़ सकते हैं इसमें, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल, ये ज्यादा कंप्रेसिबल बन जाती है ना, कंप्रेस हो जाती है, वो दब रही है मतलब कंप्रेस हो रही है, कोई भी चीज दबती है मतलब कंप्रेस हो रही है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, या फिर वो कंप्रेस कंप्रेस होके वो कोलैप्स हो जाती है, समझ में आ रहा है, कंप्रेस होके वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो कंप्रेसिबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है जिस कारण से वो फिर कोलैप्स हो जाती है। ये टर्म और एक जगह आएगा, सॉइल स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे, किसके बाद, सॉइल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल का एक चैप्टर है मैंने आपको लिखवाया था, क्ले मिनरल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल,
इसके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तब ये टर्म फिर से आएगा वहां पे। मैं आपको बताऊंगा फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, हनीकम स्ट्रक्चर, तो ये टर्म कोलेप्सिबिलिटी आपको और ढंग से विजुअलाइज हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या, है ना। तो पेशेंस, बस अभी समझते चलिए। एक चीज यहां पे देखो, अब तक जो हमने सॉइल का डिस्कशन किया है, ये जो सात अलग अलग तरह के सॉइल का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इसमें जो एजेंट थे वो कहीं ना कहीं कोई फिजिकल एजेंट, कोई ना कोई फिजिकल एजेंट था। सारा का सारा जो एजेंट था, देखो कहीं विंड है, यहाँ पे विंड है, ग्रेविटी है, आइस है, रनिंग वाटर है, सारे फिजिकल एजेंट है, ग्रेविटी है, फिजिकल चीज है। तो ये सारे जो सॉइल्स का मैंने नाम लिखवाया, दिस सॉइल्स बेसिकली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकली वेदर्ड सॉइल। कहीं ना कहीं ये सारे सॉइल किस तरह के सॉइल है, फिजिकली वेदर्ड सॉइल, इसके कैटेगरी में ये आ जाते हैं। समझ में आ गया, किस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिजिकली वेदर सॉइल के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तरह का सॉइल और सुनिए, पॉइंट नंबर 8, ये क्या है, अंडमान निकोबार, देखो आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप, ये सब जो आइलैंड ग्रुप है वहां पे, आइलैंड्स पे, है ना। वहां पे इमेजिन करो क्या हो रहा है, चारों बगल क्या है, समंदर। इमेजिन करती थी, चारों चारों बगल क्या है, समंदर है। मैं दिखाई देता हूं तब ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा। ये आइलैंड्स है ना, और इसके चारों बगल क्या है, पानी पानी, एकदम पूरा समंदर है ना, पूरा का पूरा क्या है, समंदर है। अब होगा क्या, समंदर में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे पत्ते हैं, समंदर के अंदर भी रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, प्लस समंदर के अंदर और क्या रहते हैं, जीव जंतु, मछलियां वगैरह देखते ही हो, क्या ये अनंत काल तक जीवित रहते हैं, नहीं, इनका भी एक समय सीमा है, उसके बाद राम जी को पधारे, है ना। तो जैसे ही राम कहने का होता है, तो वही चीज है। तो ये लोग जब मरेंगे, ओके, जब भी मतलब जीव जंतु कोई भी मर गया समंदर के अंदर, या फिर पेड़ पौधा जब मर गया, तो जो वाटर है ना, जो समुद्री पानी है, वो उनको धीरे धीरे फ्लोट करवा के, या फिर वो जो मरने के बाद चीज वैसे भी हल्का हो जाता है, तो फ्लोट कर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना। डेंसिटी वगैरह क्या है, ये सब चीज भी आगे डिस्कस करेंगे, सॉइल का डेंसिटी, तो उसका घनत्व कम हो गया, डेंसिटी कम हो गया, इसलिए वो फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर, फ्लोट करते 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 अपने आप फ्लोट करते 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 आएगी, ये आइलैंड के पास आके जमा होने लगेगी धीरे धीरे, है ना। इनके पास वो सारे डेड डेड बॉडीज, सारा कुछ, सब चीज वो आके धीरे धीरे इन आइलैंड्स के आसपास जमा होने लगेंगे। जब ये जमा होंगे तो क्या होगा, जमा होने के बाद धीरे धीरे उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। देखते हो कोई भी जमीन का कुछ भी, कोई मर जाता है, चूहा हुआ, वो अपने आप सड़ने गलने लगता है, डिकम्पोज हो जाता है, और धीरे धीरे सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना, सॉइल में ही अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है, तो एक तरह का यहाँ पे केमिकल एक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या हो गया, केमिकल एक्शन हो गया, है ना। एक चीज देखे हो, सॉइल के अंदर मान लो कोई जीव जंतु मर उड़ गया है, तो उसका हड्डी सालों साल तक डिकम्पोज नहीं होता, हड्डी जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो इस तरह का सॉइल, क्योंकि वो डेड बॉडी वगैरह का डिकम्पोजिशन होने के कारण बना है, एनिमल फीस वगैरह बहुत सारा कुछ का डिकम्पोजिशन होने के कारण बना है, तो इसमें हड्डियां भी मिलती है ना। तो हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये काफी, जब डिकम्पोजिशन होती है ये काफी फाइन भी होती है। तो ये जो सॉइल एक तरह का बना है, ये एक तरह का फाइन ग्रेन सॉइल होता है, मिनरल रिच भी होगा, ठीक है, प्लस डिकम्पोजिशन हुआ है, और चूंकि हड्डी वगैरह कैल्शियम भी होगा इसमें ज्यादा, लेकिन जो मिनरल्स हैं और अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स वो भी ज्यादा होंगे, समझ में आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स इसमें काफी ज्यादा होगा। इस तरह का जो सॉइल होता है, इसको हम बोलते हैं मार्ल सॉइल। क्या बोलते हैं, मार्ल सॉइल, मार्ल सॉइल। इसमें बेसिकली ये क्या हुआ, इट इज केमिकल, केमिकली वेदर्ड सॉइल, है ना, केमिकल वेदरिंग हुई थी, केमिकल वेदरिंग हुई है, केमिकल वेदरिंग हुई है। इससे पहले हमने फिजिकल वेदरिंग वाले सारे कुछ देखे थे। ये बेसिकली इसमें नोट लिखेंगे तो ये मेराइन ओरिजिन होता है इसका, इसका भी जो ओरिजिन है वो मेराइन ही है, मेराइन ओरिजिन। ये फाइन ग्रेन होते हैं, काफी फाइन ग्रेन होते हैं, ठीक है। इसका जो कलर होता है थोड़ा व्हाइटिश होता है, क्यों, हड्डी वगैरह मैंने बोला था, हड्डी है ना, तो थोड़ा व्हाइटिश कलर, WHITESH, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग को, व्हाइटेस, है ना, TEISH,
TEISH, थोड़ा व्हाइटिश कलर होता है, व्हाइटिश इन कलर ड्यू टू एनिमल बोन्स. समझ आ रहा? और ये फाइन ग्रेन सॉइल है. ये जो सॉइल होती है इसको हम बोलते हैं मार्ल सॉइल. क्लियर है? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वॉल्केनो, देखो हमारे यहाँ पे वॉल्केनो ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो तो है नहीं, है ना, लेकिन अंडमान निकोबार में कुछ बैरन आइलैंड वगैरह में कुछ वॉल्केनोस है, ठीक है, लेकिन वो अभी अभी एक्टिव नहीं है. लेकिन आप ऐसा वॉल्केनो सोचिए जो कि एक्टिव होता और वो बार बार वो फूट फूट के ब्रश करके निकलता. तो वॉल्केनो से जब ब्रश करके निकल रहा है तो उसमें क्या निकल रही? वॉल्केनिक एसेस, है ना. तो ये जो एसेस निकल रही वो बेसिकली केमिकल वेदरिंग का ही नतीजा है. तो ये वॉल्केनो जब ब्रश किया तो वॉल्केनिक एसेस निकला, है ना. तो यहाँ पे मैं एक वॉल्केनो आपको दिखा रहा हूँ. लेट्स सपोज कि आपका एक वॉल्केनो है, ठीक है, दिस इज योर वॉल्केनो. और ये वॉल्केनो कर गई ब्रश, फट गई. ये वॉल्केनो कर गई ब्रश, फट गई. तो ये जब वॉल्केनो फटेगी तो दो पॉसिबिलिटी है. जो वॉल्केनिक एस है, किसका बात कर रहा हूं, वॉल्केनिक एस, है ना, जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स. वॉल्केनो जब फटेगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे. तो जो वॉल्केनिक एस है, वो वॉल्केनिक एस में अब दो पॉसिबिलिटी है. क्या है? या फिर वो वॉल्केनिक एस किसी एक मीडियम के माध्यम से, कोई एक ट्रांसपोर्ट एजेंट के माध्यम से, विंड हो गया और कुछ हो गया, फिर जो फटा उस फोर्स के कारण, है ना, फिर हवा में गया, हवा में फिर विंड और आगे लेके चला गया, ऐसा कुछ मीडियम की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है. तो ये वॉल्केनिक एस मे बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, समझ में आ रहा है. या फिर ये वॉल्केनिक एस फटने के बाद धीरे धीरे नीचे गया, नीचे गिरा और यहीं पर कहीं पर डिपॉजिट होने लगे, है ना, यहां पर कहीं पर डिपॉजिट होने लगे. तो दो अलग अलग तरह का सॉइल बन जाएगा इसी वॉल्केनिक एस से. तो कौन कौन सा बनता है? पहला, जब ट्रांसपोर्ट हुआ है तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो सॉइल बनती है उसे हम बोलते हैं टफ सॉइल. मैं यहां पर लिखता हूं अपना 9th नंबर सॉइल, ठीक है, टफ सॉइल, TUFF सॉइल, इसे हम कहते हैं टफ सॉइल. टफ सॉइल बेसिकली क्या है? ये भी केमिकल वेदरिंग का ही है, है ना. यहाँ पे आप लिख लो, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिजल्ट ऑफ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप टेबल में कंप्लीट करना, केमिकल एक्शन के कारण ही है. वॉल्केनो में पूरा केमिकल एक्शन हुआ है, केमिकल वेदरिंग का ही नतीजा है ये वॉल्केनिक गैस, है ना, केमिकल वेदरिंग. दिस इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेड वॉल्केनिक गैस, ट्रांसपोर्टेड वॉल्केनिक गैस, समझ गए बात को, है ना, दिस इज योर टफ सॉइल. दूसरा मैंने क्या बोला, सेम प्लेस पे डिपॉजिट हो गया, वॉल्केनो के आसपास ही जमा हो गए. तो ये जो सॉइल होती है ना, इसका एक स्पेशल नेम है, दैट इज योर बेंटोनाइट सॉइल. आपने बेसिकली नाम सुना होगा बेंटोनाइट क्ले. तो ये जो सॉइल होते हैं ये बेसिकली फाइन ग्रेन भी होते हैं, है ना. तो ये फाइन ग्रेन नेचर की भी होते हैं, केमिकल वेदरिंग से बने हैं. तो वॉल्केनिक एस, अगर जब वॉल्केनिक एस निकला, वॉल्केनो जब ब्रश किया, वॉल्केनिक एस निकला, ट्रांसपोर्ट हो गया, तब तक टफ सॉइल. अगर सेम लोकेशन पे जमा हो गया अगल बगल, तब बेंटोनाइट सॉइल. जो बेंटोनाइट सॉइल होती है, ठीक है, ये रेसिडुअल सॉइल होती है एक तरह, है ना, रेसिडुअल सॉइल. सेम लोकेशन पे जमा होने वाला जो सॉइल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल. और बेंटोनाइट सॉइल क्या हो रहा है, वोल्केनिक एस जो निकल रही है वो सेम लोकेशन पे जमा हो जा रही है. तो ये रेसिडुअल नेचर की होती है. केमिकल वेदरिंग ही इसका रिजल्ट भी है, केमिकल वेदरिंग के कारण ही हो रही है, बट इट इज रेसिडुअल इन नेचर. ट्रांसपोर्टेड इन नेचर इज टफ सॉइल, रेसिडुअल इन नेचर इज बेंटोनाइट सॉइल. अब इसके बारे में मैं आपको कुछ अलग से बताता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है, इसके बारे में जानना पड़ेगा. देखिए तो 10वां नंबर सॉइल जो अपना है वो क्या डालेंगे, बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है. ये भी केमिकल वेदरिंग के कारण हुआ है, केमिकल वेदरिंग के कारण हुआ है, ओके. अब यहां पे कुछ कुछ चीजें लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखेंगे और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे. जो बेंटोनाइट सॉइल होती है ना, ये
एक तो रेसिडुअल ओरिजिन होती है, रेसिडुअल रेसिडुअल इन नेचर, है ना, वॉल्केनिक एस से बनी है, एसएस से बनी है। ये जो सॉइल होती है हाईली प्लास्टिक होती है, ये प्लास्टिसिटी क्या है आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी ध्यान रखो ये हाईली प्लास्टिक होती है, इसका आईपी का वैल्यू ज्यादा होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल के एक चीज होती है, उसकी आईपी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, 300 से 400% होती है बेंटोनाइट सॉइल का, है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये सब चीज आगे आएगा, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से, आईपी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है इसका, इसलिए इसका ये हाईली प्लास्टिक होती है। अब ये हाईली प्लास्टिक जो होती है इसको आप कैसे समझ सकते हो? देखो कोई सॉइल अगर प्लास्टिक है ना, तब आप उससे कुछ भी चीज बना सकते हो, जैसे सॉइल का जो मिट्टी का बर्तन वगैरह है वो जो हम बना पाते हैं, है ना, मटका वगैरह, बेसिकली वो सॉइल का यही प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, जिस कारण से सॉइल एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है और अच्छे से उसको आप बहुत पतले से पतले थ्रेड में भी रोल कर सकते हो सॉइल को, इसलिए हम उन सब चीजों को बना पाते हैं। ये वही प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है सॉइल का, जिस कारण से हम वो सब चीज कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारी चीज इसमें प्लास्टिसिटी को जब हम डिफाइन करेंगे आगे चल के, है ना, यही आपका यही वाला चैप्टर में, इंडेक्स प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में ही हम प्लास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिसिटी इन सॉइल जब होता है तो बेसिकली उसमें इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो क्ले मिनरल्स हैं, क्ले मिनरल्स, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और खास करके एक टाइप ऑफ क्ले मिनरल है, उसका नाम याद रखना, मॉन्ट मोरोलोनाइट, मॉन्ट मोरोलो नाइट। हम पढ़ेंगे एक एक क्ले मिनरल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, पूरा आपको मतलब दिमाग में पूरा घुस जाएगा कैसे बनता है सब चीज बेसिक, लेकिन यहाँ पे चूंकि नोट आ गई तो आपकी कॉपी में रहेगी तो ढंग से रहेगी, चीज अच्छी रहेगी। मॉन्ट मोरोलो नाइट में बेसिकली वाटर बॉन्ड होती है, ये भी ध्यान रखना, वाटर बॉन्ड होती है, ये वाटर बॉन्ड बहुत कमजोर होती है, टूट जाती है जल्दी से, है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए ध्यान में रखना अभी से। मॉन्ट मोरोलो नाइट जो क्ले मिनरल होती है इसके स्ट्रक्चर में वाटर बॉन्ड होती है ना, क्या होती है सब कुछ आगे डिटेल में देखेंगे तभी अच्छे से और समझ में आएगा। आगे बात करता हूँ इस बेंटोनाइट सॉइल के बारे में, तो क्या बताया जाए, बेंटोनाइट सॉइल एक ऐसी सॉइल है जो कि हाईली, इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी दोनों ज्यादा होती है, ठीक है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बोथ आर हाई, श्रिंकेज ऑफ सॉइल इज हाई। क्या मतलब इसका? देखो इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, स्वेलिंग मतलब फूल जाना, फूल जाना कब, जब पानी में वाटर कंटेंट डालोगे, वाटर मतलब पानी में वाटर बढ़ाओगे, है ना, मतलब सॉइल का जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। स्वेलिंग का मतलब क्या है, आप ऐसा समझो कि सॉइल में जब वाटर कंटेंट बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज योर स्वेलिंग। और एट द सेम टाइम जब सॉइल की वाटर कंटेंट कम हो रही है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, दैट प्रॉपर्टी इज योर श्रिंकेज। बहुत डिटेल डिस्कशन होगा स्वेलिंग श्रिंकेज के ऊपर, है ना, श्रिंकेज रेशियो वगैरह मैं उसका डेरिवेशन करवाऊंगा आपको, बड़ा ढंग से आपको समझ में आएगा, है ना। बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि जो बेंटोनाइट सॉइल होती है उसकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी दोनों हाई होती है, ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। अब एक चीज बताता हूँ मैं, इसका एक फायदा है, इसका हम बेसिकली एक जगह पे यूज भी करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, एक मतलब कॉमर्शियल एप्लीकेशन है इस सॉइल का, बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, मान लो तेल निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, तेल निकाल रहे हो, तेल निकालने के लिए हमको बहुत गहरा ड्रिल करना पड़ता है कि नहीं, तो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल करते चलोगे किधर, जमीन के अंदर ड्रिल करोगे, तो रॉक वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना सब चीज आता है, तो जो ड्रिलिंग हेड है ना, जो ड्रिल कर रहा है, ठीक है, तो वो रॉक वगैरह के कॉन्टेक्ट में जब आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो ये इसका एब्रेशन होगा, ये मटेरियल जल्दी खराब हो जाएगी, ये ड्रिल मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, तो बार 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 आपको ड्रिलिंग हेड चेंज करना पड़ता है। समझ में आ रहा बात, बार बार आपको ड्रिलिंग हेड चेंज करना पड़ता है। लेकिन लेकिन मान लो ये आपका क्या है, वो बोर है जहां आप ड्रिल करोगे, तो यहाँ पे रॉक वगैरह है, ये सब रॉक वगैरह है मान लो,
ये आपका ड्रिलिंग हेड, ठीक है, तो ये कांटेक्ट में आएगी रॉक वगैरह से, तो जिस कारण से ये जल्दी खराब हो सकता था। हम क्या करते हैं, ये जो बेंटोनाइट है, बेंटोनाइट सॉइल जो भी होता है, बेंटोनाइट क्ले मान लो, बेंटोनाइट क्ले, बेंटोनाइट क्ले, बेंटोनाइट क्ले है अपने पास, इसका स्लरी बनाते हैं, इसमें और थोड़ा पानी मिक्स करते हैं और इसका स्लरी बनाते हैं, और स्लरी बना के हम क्या करेंगे, इस बोर में डाल देते हैं। क्योंकि ये हाईली प्लास्टिक है, इसका स्लरी बना के जब हम बोर में डाल देते हैं तो ये एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है, इट एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट, ये एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है। तो एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है मतलब वो जो फ्रिक्शन है, जैसे ग्रीस नहीं लगाते हो यार फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो सेम चीज है इसका, ल्यूब्रिकेंट के जैसा वो काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो इसका जो एक मेजर एप्लीकेशन है वो कहां पर है, इट इज यूज्ड इन ड्रिल बोर एज ल्यूब्रिकेंट, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पॉइंट ध्यान रखना, आईएएस में पूछा हुआ था ये चीज। तो इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करेंगे, ये तो सस्ते में अवेलेबल है यार बेंटोनाइट क्ले, इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज कर दिया, इकोनॉमी अचीव होता है, व्हाट वी अचीव, इकोनॉमी, अपना जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है ये सस्ता हो जाता है ना, होगा बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेंटोनाइट सॉइल, ये सब की पॉइंट्स उससे रिलेटेड आप ध्यान रखना, आगे चल के ये बहुत बार आएगा, रिपीट होगा, बहुत सारे टेबल्स हैं जिसमें ये सॉइल का नाम आएगा, इसका लिक्विड लिमिट क्या होता है, इसका प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, सब चीज बहुत सारा टेबल्स में आएगा इसका नाम, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर वाले, क्ले मिनरल वाले चैप्टर में हर जगह आएगा इसका नाम, है ना। तो ध्यान रखना है बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट क्ले, ये बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, ओके, केमिकल वेदरिंग के कारण ही ये बना है, ओके। वॉल्केनिक ऐश जो है वो रेसिडुअल नेचर का होता है, जो मतलब वॉल्केनिक ऐश सेम जगह पे जहाँ पे वॉल्केनो फटा उधर ही जमा हो गया, इस कारण से वो सॉइल बनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ से और भी सॉइल है, हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है, बट 9 बजे तक मैंने बोला था कि क्लास अपडेट कर दी जाएगी, सो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ पहला क्लास, और नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यही टेबल को आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर से, इसी चैप्टर को अभी पढ़ते रहेंगे, है ना। अभी ये लगभग 20-25 घंटा यही चैप्टर चलता रहेगा आपका, ओके। आगे पढ़ेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल, वेरी फेमस सॉइल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दीजिएगा इफ यू लाइक इट, थैंक यू, और अपने दोस्तों को बोलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मन लगेगा, अच्छे से सॉइल मैकेनिक्स सीख जाएंगे, छोटे से छोटे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है, थैंक यू।